अभी सर श्नाइडर इंफ्रा, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा होगा। शायद 205 का रेट है इसका, और ये बहुत ही अच्छा काउंटर इस समय दिख रहा है, उसने बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर भी बनाया है। इसका प्रीवियस साइज देखते हैं तो 240 के आसपास का बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 2015 में मारा था इसने। इमीडिएट टारगेट भी हमारा वही बनता है 240 का। बाय ऑन डिप का आउटलुक है, 205 अभी चल रहा है, किसी को लेना है तो यहाँ पे 25-30% लीजिए। 180 का अच्छा सपोर्ट है, वहां पर आप बाय करिए। 160 के नीचे का स्टॉप लगाइए, 240 का पहला टारगेट पकड़िए। और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे वो शायद 240 का लेवल भी ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट वॉल्यूम्स हमें जो दिखे हैं या जो पैटर्न स्ट्रक्चर बना है वो काफी मोटिवेटिंग है। मतलब इसने मल्टी ईयर वॉल्यूम्स पिछले देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7-8 साल में इतना अच्छा वॉल्यूम्स नहीं दिखाया। डैट शोज कि इस काउंटर में कुछ ना कुछ फंडामेंटल टर्न अराउंड स्टोरी है, जिसकी वजह से वैल्यू बायर्स इसके अंदर आए हैं। तो मेरे हिसाब से 240 तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट होगा आने वाले टाइम में। मे बी दिस काउंटर कैन हेड हायर टुवर्ड्स 300-320 लेवल्स, एंड एज मेंशन इमीडिएट सपोर्ट इज 160, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कोई भी डिप पे इसको ऐड करिए, करंट लेवल पे भी इनफैक्ट थोड़ा सा बाइंग देख सकते हैं। जी, तो ये है व्यू श्नाइडर पे। और